मैं सोलमिक्स को टेक ओवर कर और मेरे शो में अनेरी का रोल बेबी प्ले करी। अमर, बहुत बुरा कुछ हुआ है। 2 घंटे से रोए जा रही है, कमरे से बाहर आने को भी मना कर दिया है। तरुण को तो देखते ही दरवाजा बंद कर लिया था। तो इस बंदी ने मेरे बहन के साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया? अगर उसने किसी भी तरह इसको हॉट किया ना, मैं मिखेल को बता दूंगा, सर फोड़ देगा साले का। मैंने पूछा भी था इससे कि हुआ क्या है, बट उसने कुछ नहीं बताया। क्या करें हम? ऐसा तो नहीं चलेगा, एक काम करते, चलते बात करते इससे। चल। Okay. बस बहुत हो गया है, रोना बंद कर। कब से रोई जा रही है, कुछ तो बता हमें। तरुण ने कुछ कहा तुझसे? हमें बता प्लीज, हम तेरी हेल्प करेंगे। नहीं सोनम, अब मेरी हेल्प कोई नहीं कर सकता। मेरी लाइफ फिनिश होने वाली है। शट अप, इसे क्यों बोल रही है तू? पापा ने मुझे अल्टीमेटम दिया, अगर अगर मुझे गोवा में रुकना है तो मुझे तरुण से एंगेजमेंट करनी पड़ेगी। व्हाट? हाँ, अगर मैंने मना कर दिया तो मुझे आज ही वापस दिल्ली जाना पड़ेगा। तो फिर तुझे क्या बोला मामा जी को? मैं क्या कहूँ अमर, मिखेल का शो बचाने का और कोई तरीका नहीं है। एंगेजमेंट करनी पड़ेगी। मिखेल के पास शो के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं उसे छोड़ के भी नहीं जा सकती। नो, ये अंकल जी ने बहुत बहुत अनफेयर वाली कंडीशन रखी है तेरे साथ। इन दोनों में से जो भी सिलेक्ट करे, दोनों में ये मिखेल को एक होएगी। This is wrong, यार। आज लाइफ में फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे पापा पर इतना गुस्सा आ रहा है। पापा मुझसे प्यार ही नहीं करते। अमर, मैं तरुण के साथ रह भी नहीं सकती। उसके साथ एंगेजमेंट, हाउ, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल फॉर मी।
अच्छा, इसीलिए वो सुबह से उछल रहा था और इसीलिए तूने दरवाजा बंद कर दिया ताकि तुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी पड़े। पर मैं कब तक भागू उससे, कब तक मुझे पापा की बात माननी पड़ेगी? नो, बेबी, तो तरुण से कैसे एंगेजमेंट कर सकती है? यू लव मिखेल, नॉट दैट तरुण। अमर, हमें कुछ करना होगा, वी हैव टू थिंक समथिंग। कोई फायदा नहीं है गाइस, पापा पापा मेरी बात सुनने को भी रेडी नहीं है। बेबी, तुम अंदर हो क्या? नहीं बेबी, बाहर पेड़ पर लटक रही है, आज से वो आम बन गई है। गाइस प्लीज, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। प्लीज प्लीज उसे मुझसे दूर रखो, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। प्लीज उसे दूर रखो। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बहुत चालू और खड़ूसता है ना ये, इसको सबक सिखाना। चल अपने फ्रॉड जीजू की खातिरदारी करते हैं। क्या खातिरदारी? गोवा दर्शन करवाते हैं, शॉपिंग करवाते हैं, खाना पीना सब मॉल में ले जाते हैं, मूवी दिखाते हैं और फिर उसको मर्डर करके पीसेस करके एक समंदर में डाल देते हैं। व्हाट से? सुनो, एक काम करते, तेरे प्लान का जो फर्स्ट हाफ है ना वो पहले करते, उसको गोवा दिखा दे। मर्डर के बारे में ना मैं थोड़ा बाद में सोचूंगा। एग्जैक्ट बेबी, मैं और अमर हम दोनों तेरे साथ हैं, हम तेरी हेल्प करेंगे। ओके रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। चल अमर, फॉलो मी। अब आज के बाद तुम्हें पूरी जिंदगी तरुण के साथ ही रहना है। मैंने तुम्हारी मैरिज तरुण के साथ फिक्स कर दी है। और अगर अगर तुम्हें गोवा में रहना है तो तरुण के साथ एंगेजमेंट करके ही रहना पड़ेगा। या तो तरुण से एंगेजमेंट करो या फिर दिल्ली वापस आओ। मैं सोलमेट्स को टेक ओवर कर और मेरे शो में अनेरी का रोल बेबी प्ले करी। आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था सौ दफा, लफ्जों में जो इश्क था हुआ ना होंठों से बयां। खुद से नाराज हूँ क्यों बेआवाज हूँ, मेरी खामोशियाँ है सजा। दिल है ये सोचता फिर भी नहीं से कहूं पता कि मैं हूं हीरो तेरा, कि मैं हूं हीरो तेरा, कि मैं हूं हीरो तेरा।
कदम मैं तेरे साथ चला, हाथों में थे ये हाथ मगर फिर भी रहा फासला, सीने में है छुपे एहसास प्यार के बिन कहे तू सुन ले जरा, दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता किस हक से कहूं पता। तुम्हारी मैरिज तरुण के साथ फिक्स कर दी, और अगर अगर मैं गोवा में रहना है तो तरुण के साथ एंगेजमेंट करके ही रहना पड़ेगा। या तो तरुण से एंगेजमेंट करो या फिर दिल्ली वापस आ। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या मेरी एंगेजमेंट हो रही है। क्या क्या कहा तुमने? मेरी और तरुण की सगाई हो रही। तड़पाए दे
मैं तुमसे प्यार करता हूं। हमारी कल एंगेजमेंट। पापा के कहने पे तुम क्या चाहते? मेरे जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या सबके लिए यही अच्छा? सबके लिए अच्छा। I love you, damn it! तुम्हें किसी और के होते हुए देखना मेरे लिए कैसे अच्छा हो सकता है? मैं भी कह सकती कि तुम मेरे लिए क्या हो, कि मैं तुमसे शट अप। तुम मेरे साथ सिर्फ एक शो कर रही हो और उसके बाद हम एक दूसरे को नहीं जानते। कल जो भी हुआ एक गलती थी, बेवकूफी थी। हाय, वो क्या है कि आज शाम को मैं और बेबी एंगेजमेंट कर रहे हैं। थोड़े से फ्रेंड्स बुलाए हैं जिसमें तुम भी इंक्लूडेड हो। क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है।